नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए सऊदी सेंट्रल बैंक सांबा की तरफ से एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है आपकी सैलरी और बैंक अकाउंट के बारे में। अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर भाजपा के विधायक बनने के तुरंत बाद मुसलमानों के खिलाफ में तगड़े एक्शन लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, वो वीडियो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा इसराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसकी कुछ ताजा खबरें सामने आई है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं गैर मुल्की, सऊदी सेंट्रल बैंक सांबा की तरफ से कहा गया है, सभी बैंक से यहां पर कहा गया है कि जिन गैर मुल्की लोगों का अकाउंट है बैंक में सऊदी अरब के अंदर, अगर उनके अकाउंट में उनकी सैलरी से ज्यादा पैसा आ रहा है तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और बैंक ने सभी गैर मुल्की लोगों से कहा है किसी दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, जो आपके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, यार दोस्त हैं, वो बोल देते हैं कि भाई हमारे जो है पैसे आ रहे हैं कुछ, तो आप अपने अकाउंट में ले लो और निकाल करके हमें दे देना। तो आप यहां पर देख सकते हैं सऊदी सेंट्रल बैंक सांबा ने जो है सभी लोगों से कहा है किसी दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप जो ऐसा करते हैं, क्योंकि जितनी सैलरी आपने जो है शो करी होगी बैंक के अंदर उससे ज्यादा पैसा अगर आपके अकाउंट में आता है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो इस चीज का ख्याल रखें। क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है अगर आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा आता है तो लीगल एक्शन तो आपके खिलाफ में लिया ही जाएगा, और अगर आप उसको बताने में नाकाम रहे यानी प्रूफ नहीं कर सके कहां से आया है, वाकई में आपका ये पैसा था नहीं था क्या था, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी सूरत में जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा उसको बैंक सीज कर लेगा और इसके अलावा आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जद्दा म्युनिसिपैलिटी ने एक जगह छापा मारा है जहां पर गैर मुल्की लोग एक्सपायर मटेरियल से आइसक्रीम बना रहे थे, उनके पास जो मेडिकल कार्ड होता है वो भी मौजूद नहीं था, लाइसेंस भी मौजूद नहीं था, और बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़े वहां पर मौजूद थे, और जितना भी सामान उसमें यूज कर रहे थे वो सारा का सारा सामान जो है बिल्कुल एक्सपायर था। तो सारा सामान वहां पर जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, और जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडिया की, तो राजस्थान से एक खबर निकल के सामने आई है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? आपसे नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये है राजस्थान के भाजपा के विधायक, जिनको विधायक बने हुए अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ में अभियान चलाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वो फोन पर जो है किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मुसलमानों ने मांस की दुकान खोल रखी है, गोश्त की, इसके अलावा जो खाने पीने की चीजें जो है ये बेच रहे हैं, इनका जो है लाइसेंस चेक किया जाए और जो मांस की दुकानें हैं उनको बंद किया जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा तमिलनाडु की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु के अंदर काफी ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है और जो गाड़ियां मौजूद थी वहां पर उनको भी बहा के ले गई है। अलावा एयर इंडिया की एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि ये फ्लाइट लंदन से इंडिया के लिए जा रही थी, लेकिन इस फ्लाइट के अंदर भारी मात्रा में पानी जो है घुस गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि इतना ज्यादा पानी फ्लाइट के अंदर आ रहा है। अलावा इसराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है इसके बारे में कुछ चौंकाने वाली खबरें यहाँ पर सामने आई हैं, और आपने जो है देखा होगा रजब तैयब एर्दोगान जो है लगातार इसराइल के खिलाफ में बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी जो है काफी मुस्लिम कंट्री हैं जो कि लगातार इसराइल के खिलाफ में बातचीत जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं, निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर से जो रजब तैयब एर्दोगान है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आप यहां पर एक खबर भी देख सकते हैं, इसमें यह बताया गया है कि इजरायली सैनिकों की जो यूनिफॉर्म है उसको तुर्की के अंदर ही तैयार किया जा रहा है फैक्ट्रियों में, और तुर्की से उसको फिर इजरायल भेजा जा रहा है, आप यहां पर वीडियो में देख भी सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके अलावा जो है तुर्की के बारे में काफी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तुर्की से होते हुए जो फ्यूल है वो भी इजरायल के अंदर जा रहा है, चीजें भी जो है इसराइल के अंदर भेजी जा रही हैं, लेकिन जो रजब तैयब एर्दोगान है वो इसराइल के खिलाफ बात भी कर रहे हैं।
तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। यमन के हुती संगठन के बारे में एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हुती संगठन ने जो अमेरिका के जहाज हैं उनके ऊपर ड्रोन से और मिसाइल से जो है हमले किए हैं। इसकी वजह से अमेरिका के जो जहाज हैं उनमें आग लगती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसराइल के दो पानी वाले जहाजों को भी निशाना बनाया है हुती संगठन ने और इनमें भी आग लगा दी है। इन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है क्योंकि अमेरिकी जहाज पे जो है इन्होंने हमला कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी घोषणा उन्होंने की है, अगर यमन की सीमाओं से कोई भी इसराइल का जहाज गुजरेगा तो हम या तो उसके ऊपर अटैक करेंगे या उसको जब्त कर लेंगे। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर पश्चिमी इराक से आ रही है, जहां पर यह बताया गया है कि इराक के एक संगठन ने पश्चिमी इराक के अंदर जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उसके ऊपर बमों से लदा हुआ ड्रोन गिरा दिया है, जिसकी वजह से जो अमेरिका के सैनिक हैं उनके मरने की भी खबर आई है। यहां पर इन सभी चीजों को देखते हुए नहीं लग रहा है कि ये जंग खत्म होने का नाम ले रही है, बल्कि लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर निकल के सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि नॉर्दर्न गाजा से 70% जो इसराइल की सेना है वो भाग गई है, उसको वापस बुला लिया है इसराइल ने। तो आप यहां पर देख सकते हैं भले ही जो इसराइल है वो हवाई कार्रवाई करता है, एयर स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से मौत हो जाती है मासूम लोगों की, लेकिन जब जमीनी कार्रवाई की बात आती है तो यहाँ पर हमास का पड़ना भारी है। कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।